आई थिंक जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर टू एच एक्स वाई प्लस टू जी वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस टू एफ वाई जेड इक्वल टू जीरो, ये दो प्लेन्स को रिप्रेजेंट करता है पासिंग थ्रू ओरिजिन। एफ हमारे पास क्या हो, ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये मैंने बताया। और अगर ये दो लाइन प्लेन्स रिप्रेजेंट कर रहा है और अगर ये दो प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो उनके बीच का एंगल हम कैसे निकालेंगे, ये नोट कर लो। टेन थीटा होता है, मतलब व्हेन इट रिप्रेजेंट टू प्लेन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो टेन थीटा होता है टू अंडर रूट जी एच स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, और ये एंगल 90 होगा अगर ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, जीरो। समझ गए ना, मॉड से एक्यूट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मॉड लगाएंगे तो एक्यूट आ जाएगा। तो इसका प्रूफ मैं बता चुका हूं और इस रिजल्ट के बारे में मैं अलग तरीके से प्रूफ कर रहा हूं। वैसे तो फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना। अब इससे दो प्लेन्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ढंग से फोकस करना, इससे दो प्लेन्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो मैंने क्या माना कि लेट द प्लेन्स बी, दो प्लेन तो हो ही रहे हैं, लिख लो यार, ये एस इक्वल टू जीरो है। लेट द टू प्लेन्स रिप्रेजेंटेड बाई एस इक्वल टू जीरो आर लेट द टू प्लेन्स रिप्रेजेंटेड बाई एस इक्वल टू जीरो आर, लिखिए क्या क्या है, एस वन इक्वल टू जीरो मीन्स अल्फा वन एक्स प्लस बीटा वन वाई प्लस गामा वन इक्वल टू जीरो एंड एस टू इक्वल टू जीरो मीन्स अल्फा टू एक्स प्लस बीटा टू वाई प्लस गामा टू जेड गामा वन जेड इक्वल टू जीरो। समझ गए ना, तो इट इज द प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड वन ऑफ द डी आर्स परपेंडिकुलर टू प्लेन आर अल्फा वन बीटा वन गामा वन एंड वन ऑफ द डी आर्स परपेंडिकुलर टू प्लेन आर अल्फा टू बीटा टू गामा टू। समझ गए ना, इनके बीच का एंगल हम कॉस थीटा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कॉस थीटा इनके बीच का एंगल वही होगा जो अल्फा वन बीटा वन गामा वन और अल्फा टू बीटा टू गामा टू के बीच का एंगल होगा। बात समझ में आ गई, लेकिन मैं कॉस थीटा निकालने में इंटरेस्टेड नहीं हूं क्योंकि टेन थीटा मैं याद करना चाहता हूं। बात समझ में आ गई ना, मैं क्या निकालने में इंटरेस्टेड हूं, टेन थीटा। तो टेन थीटा हमें ये मालूम है कि एस वन इक्वल टू जीरो और एस टू इक्वल टू जीरो के बीच के एंगल एक्यूट एंगल वही होता है या दोनों एंगल वही होते हैं जो किन वेक्टर्स के बीच के होते हैं, एन वन वेक्टर जो कि क्या है अल्फा वन आई कैप प्लस बीटा वन जे कैप प्लस गामा वन के कैप। समझ गए ना, एंड एन टू वेक्टर दैट इक्वल टू अल्फा टू आई कैप प्लस बीटा टू जे कैप प्लस गामा टू के कैप। मतलब एंगल बिटवीन एस वन इक्वल टू जीरो एंड एस टू इक्वल टू जीरो आर सेम एज एंगल बिटवीन एन वन एंड एन टू। इट इज वेरी सिंपल और ये काफी बार मैं आपको बता चुका हूं विद द हेल्प ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एन वन और एन टू के बीच के जो दो एंगल होंगे वही एंगल होंगे एस वन इक्वल टू जीरो और एस टू इक्वल टू जीरो के बीच के एंगल। हमें यह शो करना है कि इनके बीच का एक्यूट एंगल थीटा है, तो टेन थीटा
इस रूल से ऑप्टेंड होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये मैं एवेल्युएट कैसे करूंगा, ध्यान से सुनना। मैं कॉस थीटा निकाल के फिर साइन थीटा और टेन थीटा नहीं निकालना चाह रहा हूं, मैं डायरेक्ट ही क्या निकाल लूंगा, टेन थीटा। टेन थीटा मेरे पास क्या आएगा, बहुत ध्यान से देखना, टेन थीटा मेरे पास आएगा क्या आएगा, एन वन क्रॉस एन टू इसका मॉड अपॉन मॉड एन वन डॉट एन टू, समझ गए ना। इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। समझ आ गई बात, ठीक है कि नहीं है? एन वन डॉट एन टू डायरेक्ट दिखाई दे रहा है हमें, कैसे, टेन थीटा इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखना। एन वन क्रॉस एन टू भी निकाल लेता हूं, पहले मैं डिटरमिनेंट एन वन डॉट एन टू लिखूंगा क्योंकि बहुत आसान है वो। ये कितना आएगा, अल्फा वन अल्फा टू प्लस बीटा वन बीटा टू प्लस गामा वन गामा टू, गॉट इट। एन एन वन क्रॉस एन टू के लिए पहले मैं डिटरमिनेंट का यूज कर लेता हूं, वो कितना आएगा, आई जे के अल्फा वन बीटा वन गामा वन एंड अल्फा टू बीटा टू गामा टू। तो ये वेक्टर ही बेसिकली कितना होगा, ध्यान से देखना, आई टाइम्स बीटा वन गामा टू माइनस बीटा टू गामा वन माइनस जे, नोट तो कर लो एक सेकेंड, माइनस जे कैप के साथ क्या आ रहे हैं भाई साहब, अल्फा वन माइनस गामा वन, ये क्या है यार, अल्फा टू, और की के साथ क्या आएगा, अल्फा वन बीटा टू माइनस बीटा वन अल्फा टू, ठीक है कि नहीं। इसका मॉड भी हम लिख सकते हैं, वो भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसके अंडर रूट से लिख देंगे, कोई बात समझ में आ रही है ना। अगर ये मेरे पास एक्स नॉट है, ये वाई नॉट है, ये जेड नॉट है, तो क्या आएगा, एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर, समझ गए ना। इफ इट इज एक्स नॉट इट इज वाई नॉट एंड इट इज जेड नॉट, समझ गए। अब मेन टारगेट है, जिस फॉर्मेट में हमें अरेंज करना है उसके लिए इनकी वैल्यूज नोन टर्म्स में निकालना, बात समझ में आ रही है। तो मैंने ये मान लिया था कि ऐसा था तभी ये पॉसिबल है। अब ध्यान से देखना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस क्या था, टू एफ वाई जेड प्लस टू जी जेड एक्स इक्वल टू जीरो। अगर ये दो प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो मैंने माने हैं, तो निश्चित तौर पे क्या होगा, अल्फा वन एक्स प्लस बीटा वन वाई प्लस गामा वन जेड और अल्फा टू एक्स प्लस बीटा टू वाई प्लस गामा टू जेड, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर होगा। बात समझ में आ गई है? तो अब मैं कंपेयर कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कितना आ रहा है, ए, यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कितना आएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, अल्फा वन अल्फा टू, समझ गए ना, ठीक है कि नहीं। मतलब यही तो माने हैं तभी तो कंडीशंस वैलिड हैं, बात समझ में आ गई ना। बी की वैल्यू कितनी आएगी, बीटा वन बीटा टू, तो नीचे वाला एक्सप्रेशन तो कुछ कुछ सही लग रहा है मेरे को। सी की वैल्यू कितनी आएगी, गामा वन गामा टू, ठीक है कि नहीं। अब एक्स वाई कहां से कहां तक आएगा, एक्स वाई कहां है, इसका मल्टीप्लाई इससे हो और इसका मल्टीप्लाई इससे हो, तो 2h की टू एच की वैल्यू कितनी आएगी, बहुत ध्यान से देखना, अल्फा वन बीटा टू प्लस बीटा टू बीटा वन अल्फा टू, ये आएगी, समझ गए ना। और अब 2f की वैल्यू कितनी आएगी,
टू एफ की वैल्यू कितनी आएगी, वाई जेड बीटा वन गामा टू प्लस बीटा टू गामा वन, ठीक है ना। टू एफ टू जी की वैल्यू आएगी मेरे पास अल्फा वन गामा एक्स वाई, अल्फा वन गामा टू अल्फा टू गामा वन, समझ गए ना। तो कम से कम ये टेंशन तो हट गई, अपॉन में क्या रहा था अल्फा वन अल्फा टू प्लस बीटा वन प्लस बीटा टू प्लस गामा वन प्लस गामा टू, वो तो हो गया है। अब क्या चाहिए हमें, ऊपर क्या आ रहा था जो एक्स नॉट की वैल्यू कितनी आई थी, जल्दी से करो, अपॉन वाला तो आ गया। अब वो क्या आया था ऊपर, जो मैग्नीट्यूड कितना आया था एन वन क्रॉस एन टू का, एक्स नॉट की वैल्यू कितनी थी है, एक्स नॉट की वैल्यू थी मेरे पास, एक्स नॉट की वैल्यू थी बीटा वन गामा टू माइनस है बीटा टू गामा वन, ये थी ना। लेकिन जरूरत किसकी है मुझे, एक्स नॉट स्क्वायर की, तो इसके स्क्वायर की जरूरत है, तो इसके स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, बहुत ध्यान से देखना, बीटा वन गामा टू प्लस बीटा टू गामा वन का होल स्क्वायर प्लस टू टाइम्स बीटा वन बीटा टू गामा वन गामा टू, बहुत ध्यान से देखना, एक्स नॉट स्क्वायर वहां पे आ रहा है, इसको मैं बहुत ध्यान से लिख रहा हूं। बीटा वन ये तो मुझे मालूम है, बीटा वन कहां गया, बीटा वन गामा टू गामा टू बीटा वन, बीटा वन गामा टू और बीटा टू गामा वन की वैल्यू कितनी है, टू एफ है, तो ये कितना आ गया फोर एफ स्क्वायर, समझ गए ना। और बीटा वन बीटा टू की वैल्यू कितनी है बी, और गामा वन गामा टू की वैल्यू कितनी है सी, नहीं बी कहां है यार, ये गड़बड़ कैसे हो रहा है, बीटा वन बीटा टू की वैल्यू कितनी है बी सी, तो माइनस था ना, तो यहां प्लस करना पड़ेगा, सही है प्लस, प्लस कितना आएगा टू बी सी है, माइनस आना चाहिए, माइनस टू नहीं होगा माइनस फोर होगा भैया, माइनस फोर होगा, समझ गए ना। तो एक्स नॉट स्क्वायर को बहुत ध्यान से लिखिए, क्योंकि बाकी मैं सब सिमिट्री से लिखने वाला हूं। एक्स नॉट स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई फोर टाइम्स एफ स्क्वायर माइनस बी सी, समझ गए है? समझ गए। वाई नॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, वाई नॉट कितना आ रहा था, वाई नॉट था कितना, इसे लिख लिया एक्स नॉट को, वाई नॉट स्क्वायर कितना आ रहा था, अल्फा वन क्या था, अल्फा वन और गामा टू था, तो इसका मतलब जी स्क्वायर आएगा फोर टाइम्स जी स्क्वायर और माइनस अल्फा वन गामा, ए सी आना चाहिए, ठीक है ना। और जेड नॉट स्क्वायर में क्या आएगा, फोर टाइम्स एच स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसा होना चाहिए, मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया, समझ गए ना, सही तरह से नोट करिए, कर लिया, ढंग से लिखिए। एंगल मेरे पास टेन थीटा कितना आया है, टेन थीटा कितना आया है, मॉड अंडररूट में कितना था, एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर जेड नॉट स्क्वायर अपॉन अल्फा वन अल्फा टू प्लस बीटा वन बीटा टू प्लस गामा वन गामा टू, मतलब तो ये मेरे पास फाइनली आ जाएगा टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर
प्लस जी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, गॉट इट, ए प्लस बी प्लस सी ए, समझ गए, ये हमें प्रूव करना था, समझ गए। फैक्टराइजेशन से हम वो भी कर सकते थे, कंडीशंस भी निकाल सकते थे, एबीसी प्लस टू एफ जी एच प्लस माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, लेकिन वो उसी तरीके से बेटर है जो मैंने बताया आपको, समझ गए। आ गया, इट मींस होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स वाई जेड ऑलवेज रिप्रेजेंट टू प्लेन्स, ऑलवेज नहीं, रिप्रेजेंट टू प्लेन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन इफ एबीसी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एंड इफ इट रिप्रेजेंट टू प्लेन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन देन एंगल एक्यूट एंगल बिटवीन देम इज इजिली इवेल्यूएटेड बाय द रूल टेन थीटा इक्वल टू मॉड टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। इसका प्रूव हमने कॉस थीटा निकाल के ही नहीं किया, सिंपली कंपेरिजन से किया है और टेन थीटा निकाल के ही किया है डायरेक्ट, समझ गए ना, कोई डाउट है, सही तरह समझ में आ गया। इस पर डिपेंडिंग बहुत आसान आसान सी प्रॉब्लम बनती है, लेकिन ये रूल हमें ध्यान रखना है, ये ध्यान रहेगा तो आप आसानी से प्रॉब्लम कर पाएंगे। डेल्टा जीरो होना चाहिए, पहली बात प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है तो, और प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है तो फिर हम पी भी निकाल सकते हैं, हाँ वही वही उसे ही डेल्टा कह रहे हैं, ठीक है कि नहीं। एक प्रॉब्लम लिखी लो, वैसे बहुत आसान है। इफ द इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्यू जेड स्क्वायर प्लस टू वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस थ्री एक्स वाई इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट टू प्लेन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ क्यू पी देन फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी। अब ध्यान से समझना, ये दो प्लेन कब रिप्रेजेंट करेगा, जब डेल्टा क्या होगा जीरो, तो ए की वैल्यू कितनी है पी, बी की वैल्यू कितनी है वन, सी की वैल्यू कितनी है क्यू और टू एच, टू एच क्या होगा, एच की वैल्यू कितनी है थ्री बाई टू और जी की वैल्यू कितनी है वन और क्या एफ की वैल्यू कितनी है वन बाई टू, ऐसा ही है ना, टू जी वाई जेड। तो कंडीशन क्या थी दो प्लेन रिप्रेजेंट करने की, ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर, जी किसके साथ आया वाई जेड जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहां से रिलेशन क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है पी, पी इंटू क्यू और माइनस प्लस एफ जी एच की वैल्यू कितनी है थ्री बाई टू प्लस थ्री बाई टू, ए एफ स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी माइनस पी अपॉन फोर, बी जी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी वन, सी एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी क्यू नाइन बाई फोर, ऐसा ही होगा ना, बताइए। अब ये प्लेन कैसे हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो क्या होगा P प्लस क्यू प्लस वन इक्वल टू कितना होगा जीरो, तो हमें तो P P निकालना है, तो Q की जगह क्या रख देंगे माइनस वन माइनस P,
तो क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक बनेगी p माइनस वन माइनस पी, ध्यान से करना, प्लस थ्री बाई टू माइनस पी बाई फोर माइनस वन माइनस नाइन बाई फोर माइनस वन माइनस पी। देखना p की वैल्यू क्या क्या आ रही है, क्वाड्रेटिक बनाओ क्या बन रही है। सिंपली पहले तो दो प्लेन रिप्रेजेंट होने चाहिए, उसकी कंडीशन वैलिड होनी चाहिए, फिर इसके बाद एंगल 90 है तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होना चाहिए, जीरो। कंप्लीट कर लो, कितना आ रहा है क्वाड्रेटिक, क्या बन रही है, पी स्क्वायर के कोफिशियंट कितना आ रहा है, नहीं फोर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या फोर बार बार आ रहा है, फोर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, देखो कितना बन रहा है, फोर, और आपको करके बताइए मुझे कितना बन रहा है। यहां से पी की दो वैल्यूज निकालिए कितनी आ रही है, चेक करिए, माइनस बहुत टेंशन कर रहा है, सब जगह से उड़ा देंगे माइनस, तो कितना बचेगा मेरे पास, फोर पी पी प्लस वन प्लस सिक्स, नहीं माइनस उड़ा दिया, उसके बाद क्या रहे हैं क्या, माइनस सिक्स प्लस पी माइनस प्लस फोर प्लस नाइन माइनस वन माइनस पी इक्वल टू जीरो। तो देखो कितना आ रहा है, फोर पी स्क्वायर आया, और फोर पी प्लस का आया यहां से पी फाइव पी, और माइनस माइनस फोर पी आ रहा है क्या, अरे गड़बड़ हो रहा है, ढंग से करो बताओ, माइनस पी, फिर इलेवन बाई फोर कहां होगा यार, माइनस से आएगा कि प्लस आएगा, वो तो गलत बता रहे हो, फिर इलेवन कहां आ रहा है, इलेवन टू आया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, ध्यान से देख के बताइए रे, पी प्लस क्यू इक्वल टू वन, ए बी सी से कंपेयर करो, ए की वैल्यू पी है, बी की वैल्यू वन है, सी की वैल्यू क्यू है, ए बी सी तो ये पी क्यू आ गया, फिर क्या है प्लस टू एफ जी एच, टू इंटू एफ की वैल्यू कितनी है, वन बाई टू, तो वन हो गया, जी की वैल्यू कितनी है वन, एच की वैल्यू कितनी है थ्री बाई टू, तो थ्री बाई टू आया, माइनस ए एफ स्क्वायर सही है, माइनस बी जी स्क्वायर सही है, माइनस सी, सी कितना है क्यू, एच स्क्वायर नाइन बाई फोर, ये भी सही है, अब इसमें क्या रखा हमने, क्यू की जगह क्या रख दिया, माइनस वन माइनस पी, तो माइनस वन माइनस पी थ्री बाई टू माइनस पी बाई फोर माइनस वन माइनस नाइन बाई फोर माइनस वन माइनस पी, ढंग से करो जरा कितना आ रहा है, तो ये फोर मल्टीप्लाई किया, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं यार, फोर पी स्क्वायर आया, और यहां से फोर पी आए प्लस के, और यहां से एक पी प्लस के फाइव पी हो गए प्लस के, और माइनस के नाइन पी आ रहे हैं, है? की अलग आएगी ना, ए की वैल्यू पी, ध्यान से देखना, ए की वैल्यू पी, बी की वैल्यू वन, सी की वैल्यू क्यू, और क्या होता है एच क्या आता है, एच सही है थ्री बाई टू, जी में क्या आएगा, वाई जेड वाला नहीं एक्स जेड वाला, तो जी की वैल्यू आएगी वन बाई टू और एफ की वैल्यू आएगी वन। अब रिजल्ट अप्लाई करिए, तो ए बी सी
प्लस टू एफ जी एच, टू एफ जी एच की वैल्यू कितनी आई, थ्री बाई टू ही। माइनस ए एफ स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस पी आएगा ना यहां, और बी जी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, बी वन बाई फोर। माइनस सी एच स्क्वायर की वैल्यू, हाँ सही है ना, तो इससे इक्वेशन बनाना है, इससे कितनी आ रही है, फोर पी क्यू, इसको कट करो जरा, इससे इक्वेशन बनाओ कितनी आ रही है, फोर पी क्यू प्लस थ्री, इसके बाद ढंग से करिए, फोर पी क्यू प्लस सिक्स माइनस फोर पी माइनस वन माइनस नाइन क्यू, ऐसा आ रहा है क्या, है तो ये अपने पास आ रहा है फोर पी क्यू माइनस फोर पी माइनस नाइन क्यू प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, ये सही आ गया। अब इसमें क्या रखना है आपको, q इक्वल टू क्या रखना है, q इक्वल टू माइनस वन माइनस पी, तो सब्स्टिट्यूट करो और p की वैल्यू निकालो, जल्दी करो, ध्यान से करना पड़ेगा थोड़ा सा, कितना आएगा, फोर पी माइनस वन माइनस पी माइनस फोर पी माइनस नाइन माइनस वन माइनस पी प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, तो देखो कितना बनता है, क्वाड्रेटिक क्या बन रही है, फोर पी स्क्वायर माइनस पी, फोर पी स्क्वायर माइनस पी 14 आएगा इसका तो कोफिशिएंट, माइनस 14 आएगा इक्वल टू जीरो, समझ गए, तो पी की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, इसे सॉल्व कर लो, टू आ जाएगा और माइनस सेवन बाई फोर आएगा, ढंग से नोट कर लो, सॉल्व कर लो श्रीधराचार्य से, आ गया कि नहीं, जल्दी करो जरा, आ गया ना, अब फाइनली कंक्लूड कर रहे हैं, एक बार दोबारा से आप भी लिखना कि होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर कैसे लेते हैं कोफिशिएंट, उसका बहुत ध्यान रखना, प्लस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इक्वल टू जीरो, ये क्या आता है एक्स वाई क्या आता है टू एच एक्स वाई और टू टू एफ वाई जेड और टू जी जेड एक्स, और ये दो प्लेन्स को रिप्रेजेंट करता है, अगर ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर,
तो x के साथ आया है, इसका मतलब yz के साथ भी आएगा, f आएगा माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इक्वल टू जीरो. और जो ये प्लेन्स रिप्रेजेंट करता है उनके बीच का एंगल tan थीटा एक्यूट हम किससे निकाल सकते हैं, डायरेक्टली 2 अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी. समझ गए ना? तो ये कंडीशन तो याद करनी है. और जब ये याद कर रहे हो तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ए एफ स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब एफ किसका कॉफिशियंट होगा, जो एक्स का नहीं है, मतलब वाई जेड का. बी जी स्क्वायर आ रहा है तो जी किसका कॉफिशियंट होगा, बी वाई का है तो जी वाई नहीं होगा. सी एच स्क्वायर तो सी जेड के साथ आ रहा है और सी जेड स्क्वायर होना चाहिए, सी जेड स्क्वायर तो इसका मतलब क्या होगा, जेड नहीं होगा. समझ गए ना? चलो ठीक है.